हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का परीक्षा प्लस में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो है ब्लड और रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध हिंदी में कहते हैं इसे। इससे आपके यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। दो से तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तीन क्वेश्चन पूछेगा। ये एक क्वेश्चन हो सकता है कभी आपसे डाटा सफिशियंसी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, उससे रिलेटेड पूछते। तो ये जो तीन क्वेश्चन है आपसे, ये किस किस फॉर्मेट में पूछता है, किस किस टाइप से पूछता है। तो देखिए, एक जो होता है आपका पजल टाइप का क्वेश्चन उठा लेगा, एक जो होगा आपका पॉइंटिंग टाइप का लिखा उठा लेगा, मतलब संकेतिक, संकेत करके किसी फोटोग्राफ के, किसी के और कोई कह रहा हो, कोई व्यक्ति दूसरा का संकेत करके रिलेशन बता रहा हो। और आपका जो तीसरा होता है, जो एक तरह से बोल सकते हो कि नए टाइप से आ रहा है कोडिंग आपका ब्लड रिलेशन, वो है कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन। आपको क्या होगा कि इसमें जितने भी रिलेशन होंगे उनको किसी ना किसी सिंबल से कोड कर दिया जाएगा, और फिर उस कोड से एक इक्वेशन दिया जाएगा। फिर उस इक्वेशन में आपको रिलेशन पता करना होगा कि इस इक्वेशन में कौन किससे संबंधित है, किस रिलेशन में संबंधित है, ठीक। तो चलिए ऐसे ही हम बढ़ते हैं कि इसमें मेनली बात किस पे करते हैं। इसमें जो ब्लड रिलेशन होता है, इसमें जनरेशन के बारे में हम देखते हैं। जनरेशन हमारा जैसे तीन जनरेशन की बात होती है। पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वाली जनरेशन हो गई। उसके जस्ट नीचे आएंगे, उसके जस्ट नीचे वाला जनरेशन हमारे फादर और मदर वाली जनरेशन हो गई, जिसमें फादर, मदर, अंकल, आंट, ये सब आएंगे आपके। और लास्ट जनरेशन जो हमारी है वो हम लोगों की जनरेशन हो गई, सन और डॉटर वाली, ठीक। ये सेकेंड जनरेशन हो गई और ये थर्ड जनरेशन हो गई। बेसिकली इसी टाइप तीन जनरेशन का क्वेश्चन आपसे मिलेगा एग्जाम में, जो भी होगा वो तीन जनरेशन के फॉर्म में क्वेश्चन जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा। अब इसी तीन जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले कुछ ब्लड रिलेशन के सिंबल देख लेते हैं, कुछ नोटेशन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। वैसे आप क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का इतना फेमिलियर ये टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए कि इसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, सोच के कर सकते हो, अपने ऊपर ही संबंध को लेके कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप उस फैमिली के मेंबर हो, उससे बाद से रिलेशन निकाल लीजिए। और एक तरीका और है कि आप एक डायग्राम बनाइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए, जिसके लिए कुछ सिंबल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद से आप रिलेशन को निकालिए। चलिए उस सिंबल को देखते हैं कि उस सिंबल का नोटेशन क्या होगा। सपोज करिए नोटेशन ये है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल है, ऊपर प्लस का साइन है, इससे यह रिप्रेजेंट होगा कि यह मेल कैंडिडेट है। और उसी सर्किल के बाहर अगर से माइनस साइन होता है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल कैंडिडेट है। उसके बाद जो रिलेशन होता है, ये डबल एरो, ठीक, इस साइन को हम मैरिड कपल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक सिंगल एरो, बोथ साइड के साथ एरो होता है सिंगल, तो उसको रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ब्रदर या सिस्टर के लिए, ठीक, या कजन के लिए, जो भी हो, कजन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हो, उन सब के लिए हो सकता है। और नेक्स्ट ये एरो जो हो डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है आपका जनरेशन, जनरेशन रिप्रेजेंट करता है कि मतलब सन और डॉटर वाला, कौन किसका सन है, कौन किसका डॉटर है, इस एरो के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कुछ नोटेशन हो गए, जिससे आप अगर नोटेशन से आप डिनोट करोगे जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन को समझने में और रिलेशन निकालने में आसानी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में कितने टाइप से क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, चाहे किसी भी एग्जाम में आपका
ब्लड रिलेशन से किस टाइप के प्रश्नों का ठीक इजाद होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो टाइप है इसका, पहला किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, वो है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म पहेली के फॉर्म में पूछता है क्वेश्चन। ठीक, आपको एक पहेली दे देगा, पहेली का आंसर मतलब कि उसमें एक फैमिली दे सकता है, एक ग्रुप दे सकता है, उस ग्रुप में किसी का किसी ना किसी से संबंध देगा, और लास्ट में आपको किसी का कोई लास्ट में जो भी होगा उससे आपका रिलेशन निकालना होगा इसमें संकेत। उसके बाद से जो दूसरा टाइप हमारा पूछता है वो संकेत वाला पूछता है। ठीक, चलिए टाइप वन के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो पजल फॉर्म में आता है। पहला क्वेश्चन है आपसे, अब इसे हम बनाएंगे, जो नोटेशन आपको बताए थे उसी फॉर्म में इसे बनाया जाएगा, और उसके बाद से रिलेशन जो पूछा है इसमें वो हम देखेंगे। जिसे बोला है यदि ए बी की बहन है, जैसे जैसे आपके स्टेटमेंट में बोला है वैसे वैसे बनाएंगे। पहला जो आपका ये है क्वेश्चन, इसका जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक, इसका ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है मतलब क्या हुआ, देखिए एक आइडेंटिटी ए बनाएंगे, ठीक, और बी ए जो है बी की बहन है, ए पे माइनस होगा क्योंकि ए बी की बहन है, इसका जेंडर यहां से क्लियर हो जा रहा है, और ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, भाई ब्रदर है। ठीक, सिबलिंग के लिए ये वाला यूज होता है साइन, ए बी की बहन, और बी का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या होगा। अगला आप देखते हैं, सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, तो ऊपर जस्ट इसके ऊपर, क्योंकि जो है सी इसकी बी की माता है, तो सी यहाँ होगा और यहाँ पे साइन किस चीज का होगा, जेंडर क्लियर है सी का, वो माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट, डी सी का पिता है, डी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है, तो बस ऊपर आपका जो होगा वो डी होगा, वो किसका पिता है, सी का, तो इसका भी जेंडर क्लियर है, प्लस होगा। और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, तो आपका जो ये डी है जस्ट इसके ऊपर ई होगा, वो क्या है, डी की माता है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक, आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्लियर नहीं, ऊपर इसीलिए मैंने बना दिया कि डी का जो एक जो जनरेशन ऊपर है कि इसकी डी की जो माता ई है, ठीक, उसका जेंडर वहां पे क्लियर है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, जो ए है ये इसका संबंध डी से पूछा है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आप लोग ढंग से पढ़ोगे नहीं तो आंसर कुछ और मार के चले आओगे। मेन होता है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन जो है लिखा कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का बताना है कि डी के संबंध में इसका रिलेशन क्या है, ए का डी से क्या संबंध है। अगर पूछता आपका कि डी का ए से क्या संबंध है तो आंसर अलग हो जाएगा, और ए का डी से क्या संबंध है तब आंसर अलग हो जाएगा। ये नहीं कि दोनों केस में आंसर सेम होगा, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। जैसे होता है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ए आपका यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो आप देखो कि ये जनरेशन एक ऊपर वाली है, ठीक, तो ये फादर और मदर वाली जनरेशन है, और ये जो जनरेशन है आपकी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वाली जी माता है, और माता का जो अगर पिता होगा वो एक तरह से क्या कहलाता है, अगर ये बी की माता है तो ये इसकी ए की भी माता होगी सी, और जब माता का जो पिता होता है वो कहलाता है आपका क्या, नाना, और इंग्लिश में दोनों के लिए ग्रैंडफादर ही यूज होता है, तो ये जो तरह से बोल सकते हो हिंदी में इसे कि ए जो है क्या है, नातिन है किसका, डी का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला एक परिवार में बी सी का बेटा है, जैसे बोला वैसे बनाते जाते हैं, ये वाला डायग्राम आपका बन गया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि बी सी का बेटा है, तो बी सी का बेटा है तो सबसे ऊपर कौन होगा, वो होगा सी। बी जो है सी का बेटा है, इसका जेंडर क्लियर है तो बी के ऊपर प्लस साइन, सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक, कि ये मेन होगा या वुमेन होगा। अब अगला जब लाइन हम पढ़ेंगे, लेकिन सी बी की माँ नहीं है, बोला है कि जो
ये जो है बी जो है सी का बेटा तो है, मगर सी जो है उसकी माँ नहीं है, मतलब सी माँ नहीं है तो पिता होगा तो यहाँ इसका जेंडर हो जाएगा प्लस। अब ये मैरिड होगी किसी से तो वो जो आइडेंटिटी होगा उसका साइन क्या होगा, माइनस, जो इसकी माता होगी बी की। ठीक, अब देखते हैं अगली लाइन पढ़ते हैं। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, मतलब देखो जो सी है ए और सी विवाहित जोड़े हैं, मतलब सी ये प्लस है तो ए क्या होगा आपका, माइनस होगा, मतलब फीमेल होगी। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये बोला एफ सी का भाई है। ठीक, एफ जो है वो किसका भाई है, सी का भाई है, तो भाई के रिलेशन के लिए, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के लिए ये सिंबल यूज होता है। एफ सी का भाई है, इसका जेंडर क्लियर है, मेल कैंडिडेट है। और अगला बोला है आपसे कि डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, अभी डी आपको दिख नहीं रहा है तो रिलेशन नहीं बनाओगे। तो चलिए अगले वाली लाइन को पहले देख लेते हैं। ई ए की पुत्री है, ई जो है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, तो ई का जेंडर क्लियर, माइनस लगा दो। अब ये देखो एक ही जनरेशन के हैं तो ये दोनों में भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, मतलब बी जो है ई का भाई हो जाएगा। और अगला जो ये छोड़े थे हम लोग ये रिलेशन कि डी ई का भाई है, अब रिलेशन बना लेंगे क्योंकि हमें ई पता चल गया है, तो बोला कि जो डी है वो ई का क्या है, भाई है, तो डी जो है ई का भाई है, तो यहाँ एक और बना देंगे और यहाँ डी लिख देंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है कि ये मेल कैंडिडेट है, तो डी जो है आपका ई का भाई हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बन गया। और फ्लो चार्ट बनने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन इससे पूछा गया, इससे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ए के कितने बच्चे हैं, ए के देखो ए और सी मैरिड कपल है, ए और सी मैरिड कपल हैं तो इनके कितने बच्चे हैं आपके, बी है ई है और डी है, मतलब टोटल इसके तीन बच्चे हैं, आंसर हो जाएगा इनके बच्चों की संख्या जो है तीन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें बी की माँ कौन है, ठीक बी की माँ कौन है, तो आप देख रहे हो कि इसके ये जो एक जनरेशन है उसके जस्ट ऊपर वाला जनरेशन ये फादर है, तो ये कौन होगी, बी की माँ होगी, तो बी की माँ कौन है, ए है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा इसके, बी की माँ ए है। अगला है क्वेश्चन, परिवार में कितने लोग पुरुष हैं, आपको मेल कैंडिडेट का पूछ रहा है, तो जिस जिस पे ये पूरी एक फैमिली का स्ट्रक्चर है, एक फ्लो चार्ट है, इस फैमिली में जिस पे प्लस प्लस दिख रहा है वो आपके क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, तो कौन कौन से हैं, देखिए एफ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर एफ है, सी है, बी है और डी है, मतलब टोटल चार लोग ऐसे हैं जो पुरुष हैं। चलिए और दो क्वेश्चन देख लेते हैं पजल फॉर्म का। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है, डी ए का पुत्र है, ई बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, डी एफ का पिता है, और आपसे रिलेशन पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। चलिए इसका हम रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपका पूरा रिलेशन निकालेंगे। लिखा है एक परिवार में ए बी का पति है, तो ए जो है आपका वो बी का क्या है, पति है, मतलब दोनों मैरिड कपल हैं, तो ए बी का पति, इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है और बी जो है आपका फीमेल कैंडिडेट है। उसके बाद से बोला डी ए का पुत्र है, जो डी है वो ए का क्या है, पुत्र है, तो इसका आपका जेंडर क्लियर है, डी का क्या होगा, प्लस साइन लगा दोगे। नेक्स्ट आपका बोल रहा है ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री, मतलब ए बी का ही, ए बी की ही पुत्री कौन सी है, ई है, इसमें आपका माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि ये फीमेल है। और आपसे फिर से बोल रहा है एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो किसकी पुत्री है, जी की, और जी आपका अभी तक इस डायग्राम में नहीं आया है तो इस वाले को अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट लिखिए कि डी एफ का पिता है, डी जो है किसका पिता है, एफ का पिता है, तो एफ का पिता है, और एफ का जेंडर पता नहीं है आपको कि एफ का जेंडर क्या है, प्लस है या माइनस है, हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद से जो इस लाइन को छोड़े थे हम, एफ जी की पुत्री है, उससे पता करेंगे एफ जो है जी की क्या है, पुत्री है, एफ आपको जी की पुत्री है, इसका मतलब कि इसका जेंडर क्लियर हो गया कि एफ
जो है जी की पुत्री है, तो ये डी भी इसका, डी इसका क्या है, पिता है। और ये बोला है इसमें कि एफ जो है जी की पुत्री है, इसका मतलब डी जो है किससे मैरिड होगा, वो मैरिड होगा आपका जी से, तो इसकी साइन हो जाएगी माइनस। और एफ का यहाँ पे दिया था कि एफ जी की पुत्री है, तो ये भी इसका क्लियर हो जाएगा इस वाले स्टेटमेंट से कि ये एफ जो है फीमेल होगी। आपका ये पूरा फ्लो चार्ट हो जाएगा, ये दोनों सिबलिंग हो जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर हो जाएंगे, तो ये फ्लो चार्ट बनेगा इस क्वेश्चन का। अब इससे रिलेशन जो जो पूछा है हम निकाल लेंगे आसानी से। पूछ रहा है ए का एफ से क्या संबंध है, ए आपका यहाँ पे है और एफ आपका यहाँ पे है। देखिए तीन जनरेशन है, पहली जनरेशन ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन फादर और मदर्स वाली, और ये थर्ड जनरेशन आपकी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाली। तो एफ जो है इसमें बोला ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए जो है वो एफ का क्या लगता है, ये उसका मतलब है कहने का। तो ए जो है एफ का ग्रैंड फादर लगता है, ठीक है, दादा लगेगा, ग्रैंड फादर होगा इसका आंसर। उससे बाद पूछ रहा है डी का बी से क्या संबंध है, जो डी है इसका संबंध बी से क्या है, डी मतलब बी का क्या लगेगा। तो यहाँ देखो ये एक जनरेशन है, उसके बाद से डी उनका लड़का है, मतलब ये मैरिड कपल है, तो डी उनका लड़का है, तो हम कहेंगे डी जो है बी का क्या है, पुत्र है, मतलब सन होगा, क्योंकि उसका जेंडर क्लियर है। उसके बाद से नेक्स्ट बोला है जी का बी से क्या संबंध है, जो जी है वो बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखो डी जो है वो ए और बी का लड़का है, और जी है वो डी की पत्नी है, तो वो बी की और ए का क्या लगेगी, तो वो जी जो है ए और बी की क्या लगेगी, बहू लगेगी, मतलब डॉटर इन लॉ होगा इसका, डॉटर इन लॉ बहू लगेगी, ठीक, लड़के की बीवी है ये, जी जो है बी की क्या है, जी जो है बी की बहू है। ये आपका इसका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। देखिए आप एक बार सिर्फ फ्लो चार्ट बना लीजिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप आराम से उसमें देख के रिलेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसके डायग्राम को बनाते हैं, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जी पी आर एस और टी किसी परिवार के सदस्य हैं, ठीक, जिसमें पी और एस एक विवाहित युग्म है। तो फिर से बना लेंगे, पी और एस एक विवाहित युग्म है, और अभी तक हमें पता नहीं है पहले स्टेटमेंट से कि इसमें कौन मेल कैंडिडेट है और कौन फीमेल कैंडिडेट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हम एस पुरुष नहीं है, तब हमें पता चल गया कि अगर एस पुरुष नहीं है तो ये फीमेल होगी और ये मेल होगा पी। तो अब इनमें पता चल गया कि पी जो है मेल कैंडिडेट है और एस जो है फीमेल कैंडिडेट है। जब थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें बोला टी पी का पुत्र है जबकि पी जी का पुत्र है। टी जो है वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, टी है आपका पुत्र है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर है, पी का पुत्र है। जबकि पी जो है जी का पुत्र है, जो ये पी है वो किसका पुत्र है, जी का पुत्र है। एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, पी जो है जी का पुत्र है। अब यहाँ पे जी का ठीक जेंडर नहीं दिया हुआ है कि जी क्या है, सिर्फ इतना दिया है कि पी जो है जी का पुत्र है, हो सकता है ये मेल हो, इसकी माँ भी हो और ये इसका पिता भी हो, तो ये अभी क्लियर नहीं है। अगले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं, तो आर टी की बहन है, आर जो है वो किसकी, टी की बहन है, तो आर पे माइनस का साइन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी का आर से क्या संबंध है। तीसरा जनरेशन ये है आपका, सबसे ऊपर वाला फर्स्ट जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, ठीक, इसी में पूछ रहा है आपसे कि जी का मतलब ये जो जी है ऊपर उसका आर से क्या संबंध है। तो देखो जी जो है ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसकी पी की माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, तो पी जी के पुत्र है, ये उसकी बहू है जी की, और इनके दो लड़के हैं, एक टी है एक आर है। तो आपका ये पूछ रहा है कि जी आर से क्या संबंध है, तो जी जो है आर का दादी भी हो सकती है और दादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लिखा सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब ये पी का पिता और पी का माता दोनों की पॉसिबिलिटी रखता है। इसलिए जो आर का रिलेशन होगा जी से, तो वो जी का आर से क्या संबंध है, तो जी जो है उसका दादा या दादी का, मतलब ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ग्रैंड मदर
आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंड फादर होगी। तो ये आपके टाइप वन के पजल फॉर्म के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखेंगे टाइप टू के, टाइप टू आपसे कैसा पूछता है। टाइप टू आपका जो क्वेश्चन बनता है उससे वो होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब संकेत से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी फोटोग्राफ को देख के या किसी व्यक्ति को देख के कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये हमारे चाचा के या मामा के लड़के हैं, जिस भी टाइप से आपसे क्वेश्चन इसमें संकेत में बोल जाए। चलिए टाइप टू के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप टू के जो पॉइंटिंग फॉर्म संकेत वाले आते हैं वो कैसे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि एक कोई महिला है उसकी तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कुछ कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के पिता, जैसे जैसे बोला है वह मेरे पुत्र के पिता, वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। तो उस औरत के बारे में बात किया जा रहा है, वह मेरे पुत्र। ये मेरे पुत्र मतलब किसका रिलेशन आ गया, ये व्यक्ति जो है उस महिला के, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है। तो वो व्यक्ति जब महिला की तरफ इशारा हुए कह रहा है तो वह जो शब्द आया वो महिला के लिए आया है और बोल रहा है कि मेरे पुत्र, मतलब जो ये व्यक्ति है, ठीक, इस व्यक्ति का एक पुत्र होगा। ये डायग्राम बनाते रहिए, ठीक, इस व्यक्ति का एक पुत्र होगा उसके पिता, इस व्यक्ति का पुत्र के पिता, मतलब वो खुद व्यक्ति के पिता की इकलौती, ठीक, यहां पे देख लीजिए, ये व्यक्ति हो गया उसका एक पुत्र, ठीक, उसका एक पुत्र के पिता, मतलब वो खुद का व्यक्ति की इकलौती पुत्र वधु है, इकलौती पुत्र वधु है, पिता के पिता, इस व्यक्ति के भी पिता, ऊपर जनरेशन चला जाएगा, ठीक। अब इसकी इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू का मतलब कि इसके सिर्फ एक ही लड़का है जो वो व्यक्ति है, और इसकी जो शादी किससे हुई है, उस औरत से हुई है जो औरत की तरफ वो इशारा कर रहा है। देखिए इस डायग्राम ये पूरा इसी से मैच खाता हुआ है। वो बोला वह मेरे पुत्र के पिता, ठीक, उस व्यक्ति के पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती पुत्रवधू मतलब कि उसका सिर्फ एक ही लड़का होगा जो वह व्यक्ति है, और उसकी ये क्या है, वाइफ है, जिसके कारण। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, बोला है कि इस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो ये जो महिला है वो पुरुष की क्या है, वाइफ है, ठीक है, उसकी पत्नी है। तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो वो उसकी पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके फ्लो चार्ट को बनाते हैं, इसके डायग्राम को बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर है औरत की, उसको दिखाते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि वह, ठीक, उस फोटो में जो है उसके बारे में कह रहा कि वह मेरे इकलौते, मेरे ये जो शब्द आया वह किसके लिए आया है, उस व्यक्ति के लिए आया है। तो मेरे इकलौते मतलब ये जो व्यक्ति होगा, ठीक है, इकलौते पुत्र की सास है, इकलौते पुत्र की सास, पुत्र की सास का मतलब कि पुत्र का जो है विवाह हुआ होगा, ठीक, मतलब ये प्लस कैंडिडेट है तो ये माइनस होगी, फीमेल मैरिड कपल। पुत्र की सास का मतलब कि उसके बीवी की माँ, ठीक, ये होगा पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, पुत्र की जो सास है उसकी इकलौती लड़की, मतलब खुद उसकी बीबी, इस पुत्र की
जो उस व्यक्ति का पुत्र है उसकी बीवी ही उसके सास की इकलौती लड़की होगी। तो अब पूछ रहा है आपसे कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ये चार्ट बनेगा कि एक व्यक्ति है, उसका इकलौता पुत्र है और उसकी सास की इकलौती लड़की है, वो जो फोटोग्राफ में वो जो औरत की तरफ जो तस्वीर है उसको जो व्यक्ति बता रहा है। तो अब पूछ रहा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये जो औरत है इस व्यक्ति से इसका क्या संबंध है। तो इस व्यक्ति से उस संबंध है वो क्या है कि वो औरत जो है वो इस क्या है उसकी डॉटर इन लॉ है, मतलब पुत्र वधू है, क्योंकि ये उसके पुत्र की बीबी है तो वो क्या कहलाएगी, वो उसकी पुत्र वधू है। ठीक, तो ये आपका इस टाइप के पॉइंटिंग जो होते हैं वो क्वेश्चन हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपको। तीसरा क्वेश्चन ये है, आपका पॉइंटिंग ही फॉर्म का है, बोला एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, सुधा को एक लड़की है, वो बोल रही है एक लड़की तरफ संकेत करते हुए, पॉइंट करते हुए बता रही है कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, उस लड़के का सुधा से क्या संबंध है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इसके फ्लो चार्ट को बनाते हैं, उसके बाद से उसका जो रिलेशन पूछा है वो निकालते हैं। वो ठीक, ये बोला एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, वह मेरे, सुधा ने कहा कि वह मेरे, मतलब जो ये सुधा है, ठीक ठीक, वह मेरे ससुर, सुधा के जो ससुर हैं, सुधा के ससुर होंगे, मतलब सुधा के मैरिड हुआ होगा किसी से ना किसी से, ये हो गया उससे मैरिड, उसका हस्बैंड, ठीक के पिता, ठीक उसके पिता ही उसके ससुर कहलाएंगे, उसके हस्बैंड के पिता, ये उनके ससुर हो गए, कि इकलौते पुत्र, ठीक इकलौते पुत्र मतलब उसका हस्बैंड का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र मतलब उसका खुद का पुत्र, ठीक इकलौते पुत्र का पुत्र जो है वो कौन है, वो लड़का है जिसकी तरफ सुधा इशारा कर रही है, सुधा जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो क्या है, सुधा के ससुर मतलब सुधा के हस्बैंड के सो पिताश्री हैं, उनके इकलौते पुत्र मतलब सुधा के हस्बैंड का पुत्र है, मतलब वो भी जो लड़का है वो क्या है, सुधा का ही पुत्र है। तो अब वो पूछ रहा है कि उस लड़के का, अब जिस पे रिस्पेक्ट में पूछे, पूछ रहा है उस लड़के का सुधा से क्या संबंध है, ये लड़का ये है और सुधा से पूछ रहा है, तो लड़के का सुधा से जो संबंध होगा वो होगा पुत्र का। और अगर एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन चेंज कर दे तो ये ना बोल देना कि सुधा का जो उस लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो ये ना बोल देना कि माँ का संबंध है, इसमें बोला है कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का का निकालना है, लड़का सुधा का क्या है, पुत्र है। अगर ये आपसे क्वेश्चन बोल देता है इसमें कि सुधा का लड़के से क्या संबंध है, तो सुधा का लड़के से क्या संबंध होगा, सुधा उसकी माँ होगी। ठीक, तो ये हमेशा देख लेना कि जो रिलेशन पूछा गया है किसके संबंध में पूछा गया है, नहीं तो आप हम उसको गलत करके आओगे, और जो आपका ऑप्शन सेट किया गया रहेगा उसमें माँ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति चाहे एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके इकलौते मतलब औरत के बाद इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो चलिए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट ये है कि आदमी कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, उसके मतलब उस औरत, जो औरत है उस औरत के इकलौते भाई, मतलब उसका भाई हो गया औरत का, ये प्लस ये माइनस, इकलौते भाई का बेटा, इसका एक बेटा प्लस मेरी पत्नी का भाई है, जो ये बेटा है उस आदमी, जो ये आदमी है, जो व्यक्ति है,
उस आदमी की पत्नी, ये प्लस इसकी ये पत्नी हो गई, माइनस इसका ये क्या है, भाई है। ठीक, तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब इस औरत का इस आदमी से रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये आदमी है वो, और ये उसकी बीबी है, और ये उस बीबी का एक भाई है, और उसका बाप जो है उस वो कौन है, इस औरत का भाई है। तो यहाँ जो रिलेशन निकल रहा है कि ये जो है, ये कैंडिडेट जो है, ये सर्किल वाला, वो इसका आदमी की बीबी का क्या हुआ, बाप हुआ। तो इस आदमी का क्या कहलाएगा, ससुर कहलाएगा। ठीक, ये आदमी का ससुर कहलाएगा, औरत का भाई। तो औरत से उसका रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा, बताइए कि उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो औरत जो है वो क्या है, वो ससुर की, उसके ससुर की बहन है। ये होगा आपका आंसर। जो औरत है वो आदमी के ससुर की क्या है, सिस्टर है, बहन है। ठीक, तो ये होगा आपका आंसर। तो ये हो गए आपके पॉइंटिंग फॉर्म। अगला हम डिस्कस करेंगे आपके सामने वो होगा कोडेड फॉर्म, जो नया चल रहा है। इससे दो क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन चार हुए हैं तो दो क्वेश्चन आपके कोडेड से होंगे, और दो क्वेश्चन होंगे तो ये आप जो दो टाइप पढ़े हो, पॉइंटिंग फॉर्म और पजल फॉर्म, उससे होंगे। तो अगला चलिए कोडेड फॉर्म में आते हैं। कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसमें क्या होगा आपका कि कुछ साइन होंगे, उस साइन का कुछ कोड जो है यूज किया जाएगा, और उसका आपका डायरेक्शन दिया रहेगा कि इस साइन का मतलब क्या है। फिर उसी का यूज, साइन का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिलेशन आपको निकालना होगा। जैसे बोला ए डॉलर बी, ठीक, ए डॉलर बी का मतलब कि ए जो है बी की पत्नी है। जहां भी ऐसा साइन हो कि मतलब जैसे आ जाए टी डॉलर एस, तो टी जो होगा वो क्या होगी, एस की पत्नी होगी। तो इसके कहने का मतलब यही है कि ए डॉलर बी लिखा है तो ए बी की पत्नी है, ए हैज बी का मतलब ए बी का पुत्र है, ए परसेंटेज बी का मतलब ए जो है बी का पिता है। सभी केसों में एक चीज देखो कॉमन है कि जो डॉलर जो साइन लगा है उसके पहले वाले जो भी हैं उनका क्या जेंडर क्लियर हो जा रहा है, जिसमें ए डॉलर बी ए बी का पत्नी है। तो इसका क्लियर हो गया जेंडर कि ये माइनस होगा, तो ये इसमें पता चल जाएगा कि ये प्लस 100% होगा ही, क्योंकि ये मैरिड कपल के बारे में है। बाकी किसी में सेकेंड वाले का जेंडर नहीं पता कर पाएगा, पता कर पाओगे, क्योंकि देखो ए हैस बी, ए हैस बी आपसे बोला जा रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। तो इसका जेंडर तो क्लियर हो गया कि ये प्लस होगा, मगर बी वाले का, लास्ट वाले का आपका जेंडर नहीं क्लियर होगा कि ये फादर होगा या मदर होगा। ठीक, तो ऐसे ही ए परसेंटेज बी में ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का क्या, पिता है। तो बी का हमें नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, सन होगा या डॉटर होगा। वैसे ए स्टार बी में ए बी की बहन है, तो ये पता चल गया कि ए जो है बी की बहन है, मगर ये नहीं पता चला कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। इसके बारे में पता चला है कि सिर्फ ये माइनस होगा। मतलब इसे देखा जाए कि जब भी ऐसा लिखा जाता है तो अगर आपका ऐसे आ रहा है तो लास्ट वाला जो होगा, साइन के लास्ट वाले का जेंडर सिर्फ मैरिड कपल को छोड़ दिया जाए, तो उसमें किसी में हम पता नहीं कर पाते हैं कि अगर साइन के बाद वाला कोई चीज लिखा है और इस फॉर्म में लिखा है, तो आपका साइन के बाद वाला जो होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसी चीजों, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टी एच का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सही अभिव्यक्ति दर्शाती है। मतलब ये इक्वेशन आपको ऑप्शन दिया है ए बी और सी और डी, इनमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बताएगा कि टी एच का भाई है। तो इसको करने के लिए ये नहीं कि आप पूरा शुरू से ऑप्शन ए चेक करो, इसे सॉल्व करो, ऑप्शन बी को सॉल्व करो, ऑप्शन सी को सॉल्व करो, ऑप्शन डी को सॉल्व करो, इसमें आपका टाइम जाएगा और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। उसके लिए एक ट्रिक है कि पहला ट्रिक ये है कि एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो ऑप्शन को, एलिमिनेट करो ऑप्शन को। एलिमिनेट कैसे करना है,
पहला ये कि आप जिसका क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पहले उसका जेंडर निकाल लो। जैसे बोला गया टी एच का भाई है, तो आपका बोला गया टी एच का भाई है, तो जिसका इसमें किसका जेंडर क्लियर हो गया, टी का जेंडर क्लियर हो गया कि टी जो होगा वो क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा। तो हमें पहले ऑप्शन में उसको ढूंढना है जिसमें टी पॉजिटिव हो, मतलब मेल कैंडिडेट आए। तो चलो ढूंढते हैं कि टी किसमें मेल कैंडिडेट आएगा। अगर इसमें देखें पहले ऑप्शन में देखें एच स्टार टी का मतलब कि देखो स्टार का मतलब कि एच जो है टी की बहन है, तो इसमें जो है आपका इसका जेंडर आया अभी टी का नहीं आया, टी का अगले वाले से आएगा जब टी परसेंटेज के आएगा। तो टी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब कि ए बी का पिता है, तो वैसे ही टी के का पिता होगा, तो टी का जेंडर क्लियर हो जा रहा है कि ये प्लस होगा। चलो ये एक बार हम सोच सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, इसमें लिखा है टी स्टार एच, टी स्टार एच का मतलब ए बी की बहन, मतलब टी एच की बहन है, तो टी का जेंडर यहाँ माइनस आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। वैसे ही इसमें आते हैं, इसमें देखो एच स्टार एच हैज के परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो साइन के बाद टी दिया हुआ है ठीक, और सिर्फ हमें ये देखना है कि डॉलर ना हो, क्योंकि डॉलर के बाद अगर कोई होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का मतलब बोला ए बी की पत्नी है, तो इसमें दोनों का जेंडर पता चल जाता है ठीक। और बाकी जिस जो भी आपके साइन यूज किए गए इसमें ये नहीं पता चलता कि सेकेंड वाले का जेंडर क्या होगा। वैसे ही के परसेंटेज टी दिया है, तो देखो इसमें बोला है कि ए बी की, ए जो है बी का पिता है, तो के जो है टी का पिता होगा, तो के का जेंडर पता चलेगा, टी का जेंडर नहीं पता चल पाएगा, और हमें एग्जैक्ट जेंडर चाहिए कि टी का जो जेंडर होगा वो प्लस होगा, तो इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा ठीक। अगला आते हैं ऑप्शन डी में, इसमें भी टी लास्ट में है, तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा प्लस माइनस में, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज का साइन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए था वो आंसर होगा। आपके सभी आंसर ऑप्शन जो है क्या हुए, एलिमिनेट होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो अब इसे देख लेते हैं क्या आंसर है हमारा। देखो एच स्टार टी का मतलब होता है कि एच जो है वो क्या, टी की बहन है, तो एच का जेंडर पता चल गया, और टी की बहन है तो टी का अभी तक नहीं पता चला है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे टी परसेंटेज के का मतलब कि टी जो है वो किसका पिता है, के का पिता है, टी जो है के का पिता है, तो इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर होगा कि ये प्लस होगा, और के का नहीं पता है जेंडर क्या होगा। तो इस वाले से ये निकल के आ रहा है कि टी जो है एच का भाई है, बस ये आपसे पूछा था कि टी एच का भाई है, कौन सा इक्वेशन बता रहा है, तो ऑप्शन ए। तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। चलो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन इससे पूछता है उसमें ये है कि एच स्टार टी हैस एफ परसेंटेज एल में एच का एल से क्या संबंध है, मतलब आपको एक इक्वेशन दे देगा और उसमें पूछेगा, अभी तक इसमें क्या पूछ रहा था कि टी एच का भाई है, उसमें कौन सा इक्वेशन बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एच परसेंटेज टी हैस एफ परसेंटेज एल, सॉरी एच स्टार टी हैस एफ परसेंटेज एल में एच का एल से क्या संबंध है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको संबंध निकालना होता है, तो उसके लिए इसको पूरा का पूरा कोड करना होता है, ये कोडेड में है, अब इसको डिकोड करो, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चलो ऊपर वाला मैं रफ करता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एच स्टार टी का मतलब क्या है, स्टार का मतलब पहले वाला का जेंडर क्लियर होगा, एच जो है वो टी की क्या है, बहन है ठीक। अब टी का अभी तक यहां से जेंडर नहीं पता चला। टी हैस एफ का मतलब कि टी जो है, हैस का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है, तो पहला वाला जो कैंडिडेट है वो किसका, सेकंड वाले का पुत्र है। तो इसमें टी हैस एफ का मतलब कि जो टी है वो एफ का क्या है, एफ का जो है वो पुत्र है, तो टी का जेंडर क्लियर हो गया। उसके बाद बोला कि एफ परसेंटेज एल, एफ परसेंटेज एल का मतलब कि आपका एफ जो है, पहला वाला ए जो है बी का पिता है, इसी का मतलब कि एफ जो होगा एल का पिता होगा, एफ जो है एल का पिता होगा, तो एल भी कहीं यहीं पे होगा, और इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और ये तीनों एक ही जनरेशन के होंगे,
तो इन दोनों तीनों में आपका ये वाला साइन यूज हो जाएंगे एक ही जनरेशन वाले। तो अब इसमें आपसे ये बताना है कि H का L से क्या संबंध है। देखो H का L से पूछ रहा है, तो H का जेंडर क्लियर है। अब ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये हर केस में ये L की क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक, सिस्टर लगेगी। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होता इसमें कि L का H से क्या संबंध है, ठीक, तो हम कहते हैं, या तो भाई हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक, हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। ये मेल, अगर मेल होता है तो भाई हो जाएगा, अगर फीमेल होता है तो बहन हो जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो सिर्फ एच का एल से पूछा है, ना कि एल का एच से पूछा है, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा कि वो उसकी बहन है, मतलब सिस्टर है, ठीक। तो ये आपका हो गया कोडेड का। अब ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कोडेड का। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन कराए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। आर जे की माता है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसमें फिर से आपसे वो बता पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है जो बता रहा है आपका कि आर जे की माता है। तो इसमें पहले जो बताया था कि एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जिसके बारे में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसका जेंडर क्या है। आर जे की माता है, इसका मतलब आर का जेंडर क्या होगा, फीमेल वाला माइनस होना चाहिए। तो हम पहले वो क्लियर कर लेते हैं आपका क्वेश्चन में आर का जेंडर। यहां पे देखो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में अगर हम चले तो के डॉलर आर का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब पहला वाला पत्नी का आएगा, पहले वाले का जेंडर जो है माइनस आएगा। तो इसमें पहले वाले का जेंडर माइनस, तो बाद वाले का प्लस होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमें आर प्लस चाहिए नहीं, आर का पे फीमेल चाहिए हमें, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं, इसमें देखो जे, इसमें आर डॉलर के, ठीक, आर डॉलर के, तो आर डॉलर के मतलब पहले वाला का जेंडर क्लियर हो जाता है माइनस और के का प्लस होगा, तो इसके चांसेस हैं, हो सकता है ये आंसर हो। सी वाले को एलिमिनेट करते हैं कि आर हैज टी, आर हैज टी का मतलब कि ए बी का पुत्र है, ए जो है मतलब पहला वाला कैंडिडेट दूसरे वाले का पुत्र है, तो इसका मतलब इसका जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला आंसर, ये हमारा आंसर सी तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें माइनस चाहिए आर की, आर पे। इसे देख लेते हैं आर डॉलर के में फिर आएगा कि ए बी की पत्नी वाला, डॉलर का मतलब, तो आर जो है के की पत्नी है, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तब हम क्या करेंगे, जब आपका ये केस आ जाए कि आपको इसमें दो ऐसे लगे कि दोनों पे आपका माइनस साइन आ जाए, आर के फीमेल कैंडिडेट आ जाए, तो हमें एक किसी कोई भी एक आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर वो हो गया, रिलेशन निकल गया कि आर जे की माँ है, तो वो आंसर हो जाएगा। अगर नहीं निकला तो जो बचा हुआ है आपका दो में से वो आंसर हो जाएगा। चलिए मैं डी वाले को मान लेता हूं, ठीक, जो ऑप्शन डी है उसे सॉल्व करता हूं। उसमें बोल रहा है कि आर डॉलर के, मतलब आर जो है के की बीबी है, ठीक है, और आगे क्या हो, के परसेंटेज एम क्या मतलब कि ए बी का पिता है, मतलब के जो है किसका, एम का पिता है, के जो है एम का पिता है, और एम डॉलर जे का मतलब कि एम जो है किसकी बीबी है, जे की बीबी है, ठीक, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इस वाले में डायग्राम में देखिए कि बोला है कि आर जे की माता है, ऐसा हो रहा है आर माता है नहीं, यहाँ पे आर जो है किसकी माता है, एम की माता है, ठीक। तो ये आंसर आपका जो ऑप्शन डी है इससे नहीं मिल पा रहा था, इसका मतलब ये गलत हो गया, और ये वाला आपका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। इसे आप सॉल्व मत करना कि फिर से बी वाला ऑप्शन को भी उठा के सॉल्व किए, वो आपका टाइम ले जाएगा। आपको जो आपका ये दो तो आपके गलत हो गए थे और दो पे साइन सही आ रहा था, तो दो पे साइन जो सही आया कोई एक उसमें से उठा के उसे सॉल्व करो, अगर आपका रिलेशन बना तो
तब तो सही है, नहीं बना तो वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलो इसे चेक कर लेते हैं कि ये आंसर है हमारा। तो एम स्टार जे का मतलब कि एम जो है जे की क्या है, बहन है, ठीक। जे एस आर का मतलब जे जो है आर का पुत्र है, ठीक। जे जो है आर का पुत्र है, जे का जेंडर क्लियर हो गया। और आर डॉलर के का मतलब आर जो है के की बीबी है। तो यहां पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि आर जो है जे की क्या है, माँ है। तो ये ऑप्शन बी इसीलिए सही हो गया, ठीक। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो कोडेड का। बाकी आपके जितने भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिस्टेंस डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के, वो आपको मैं क्वेश्चन सेशन में दोनों डिस्टेंस डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं कराऊंगा क्वेश्चन सेशन में, ठीक। ओके, थैंक यू।